नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपके एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ Realme 8s में आप यहाँ पे फेस लॉक की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। तो फेस लॉक सेट करने से पहले अगर आपने यहाँ पे पैटर्न या फिर पासवर्ड सेट कर रखा है अपने फ़ोन में तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ यहाँ पे पहले पासवर्ड लगा लेंगे अपने फ़ोन में और उसके बाद आप चले जाएंगे सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ पे पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको ऐड फेस का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर लेंगे। जो भी आपके फ़ोन का पैटर्न है वो यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे अपना फेस ले ऐसे करके लगा देंगे। तो ये लग चुका है और रेस्ट वेक अगर आपको ऑन रखना है तो ठीक है, अदरवाइज़ यहाँ पे ऑफ़ कर देंगे, वरना काफ़ी परेशानी होती है, बार बार स्क्रीन की लाइट चलती रहती है। डन पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे फेस डिलीट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, डिलीट कर सकते हैं। यूज़ फेस फॉर पे क्लिक करके यहाँ पे आप इसको ऐप लॉक के लिए या फिर प्राइवेट सेफ के लिए इनेबल कर सकते हैं। इसको तो आपको ऑन रहने देना है, अदरवाइज़ आपका फ़ोन का लॉक काम नहीं करेगा। और यहाँ पे ऑटो ब्राइटनेस अगर आप चाहते हैं, जैसे कि डार्क एरिया में हैं अभी आप या फिर नाइट में अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, तो यहाँ से आप इसे ऑन करके अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। ये वाला ऑप्शन ज़रूरी होता है, अगर यहाँ पे ऑन करके आप यूज़ करते हैं तो आपकी आँखें जब खुली रहेंगी तब यहाँ पे आपका फ़ोन का फेस लॉक अच्छे से काम करता है। और कुछ लोगों को आइस की प्रॉब्लम होती है, उनकी आइस ओपन नहीं होते, तो वो ये वाला ऑप्शन बंद करके अपना फेस लॉक यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनकी आइस ओपन नहीं होती इस वजह से। और ये वाला ऑप्शन इसलिए होता है क्योंकि उनको स्वाइप वाला ऑप्शन अगर चाहिए होता है तो ये वाला ऑप्शन ऑन कर देंगे, स्वाइप वाला ऑप्शन नहीं चाहिए तो यहाँ पे ऑटो अनलॉक पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बैक कर देंगे और यहाँ पे इस टाइप से अगर आप फेस लॉक यूज़ करते हैं तो आप देख सकते हैं कि फेस लॉक आपका लग चुका है। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।